सनातन धर्म के अनुसार घर में मंदिर का निर्माण पूजा पाठ करना अनिवार्य होता है। पूजा करने से घर में सुख समृद्धि शांति आती है। वैसे तो लोग अपने घरों में छोटे बड़े मंदिर बनवाते हैं, लेकिन कई बार लोग मंदिर बनवाने के बाद ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे सुख शांति के बजाय घर में दरिद्रता अशांति छा जाती है। जिन लोगों को उन गलतियों के बारे में पता नहीं होता, उन्हें शिकायत होती है कि सात्विक जीवन जीने के बाद भी प्रभु के नित्य पूजा पाठ के बावजूद भी उन्हें उसका फल नहीं मिल रहा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो शास्त्रों के मुताबिक इसकी वजह मंदिर में ही छिपी है। तो चलिए जाने अनजाने में की गई उन गलतियों को जान लें जिसके हो जाने के बाद मैनेज झेलना पड़ता है। भगवान की एक से ज़्यादा मूर्ति न रखें। जी हाँ, घर में बने मंदिर में भगवान गणेश या किसी भी दूसरे देवता की एक से ज़्यादा मूर्तियाँ भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से घर में अशांति आती है, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। अगर आप मंदिर के लिए नई मूर्ति लाना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ समय दीपावली होता है। उस दौरान आप नई मूर्ति लाकर पूजा घर में विराजमान कर सकते हैं। इसके साथ ही पुरानी मूर्ति को नदी, नहर या किसी साफ जगह मिट्टी खोदकर भू समाधि दे सकते हैं। भगवान की पूजा के दौरान हमेशा उन्हें ताजे पुष्प अर्पित करने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के थाली में हमेशा ताजे फूल ही चढ़ाने चाहिए। जमीन पर गिरे फूलों को पूजा घर में ना चढ़ाएं। ऐसा करने से प्रभु का आशीर्वाद नहीं मिलता। जहाँ तक तुलसी के पत्तों की बात है तो उसके टूटे हुए पत्तों को 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता। ऐसे में आप उसकी पत्तियों को जल से धोकर रोज भगवान को अर्पित कर सकते हैं। घर के मंदिर में भगवान के रौद्र रूप वाली तस्वीर को रखने से परहेज करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ अनिष्टकारी माना जाता है। इसके बजाय आप मंदिर में ऐसी मूर्तियाँ रखें जिसमें वे मुस्कुराते अपना आशीर्वाद देते हुए दिख रही हों। इस तरह की मूर्तियाँ घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। ज़्यादातर हर मंदिर में लोग शंख रखते हैं जो कि बहुत ही सकारात्मक माना जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा घर में हमेशा एक ही शंख रखना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा शंख पूजा घर में रखे हैं तो एक को हटाकर किसी पवित्र नदी में बहा दें। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।